उसको छोड़ूंगा नहीं। पिछली बार उस ढाबे वाले से आपने पंगा लिया तो हफ्ते भर तरह तरह के तेलों से मैंने मालिश की थी, इस बार पंगा लिया तो ये हालत हुई। उसने मेरे होटल के दो माले गिरा दिए, मैं उसको नहीं छोड़ूंगा। गरम मत हो, ये आप गरम होने से बर्फ पिघल जाती है, 30 किलो बर्फ खत्म हो गई है, चले से चल रहा है। मैं उसको नहीं छोड़ूंगा, मैं उसको छोड़ूंगा नहीं। अरे क्या हुआ दादी? तबीयत ठीक नहीं है। आप नीचे चलिए, आपकी 2 मिनट में तबीयत ठीक करती हूँ। क्यों, कोई स्पेशली डॉक्टर लेकर आई है? डॉक्टर नहीं, आपका होने वाला दामाद आया है। ये दूसरा नया दामाद? दामाद नहीं, वो अखबार हुआ डेली चेंज। शट अप इडियट। दादी चलिए ना, वो इंतजार कर रहा है नीचे। घर तो अच्छा है राजा, अब ये देखना है कि होने वाला ससुर कैसा है। हे भगवान, ये खड़ूसिया क्या कर रहा है? ये कौन है?
मुझको देखकर उछल कर उस तरफ मुंह फिरा के बैठ गया। थोड़ा सा शर्मीला है, आपसे डरता है ना डैडी? डरने की क्या बात है, मैं कोई भूत हूँ, राक्षस हूँ, खा जाऊंगा उसको क्या? सेठ जी से पहले जो आया था ना, उसने आंखें छुपा रखी थी, उसकी आंखों में गड़बड़ थी, इसने मुंह छुपाया, कहीं इसके मुंह पे लाना तो नहीं? अरे नहीं यार, एक लगा जरा मर्दों की तरह अपना चेहरा दिखाना तो भाई। देखिए अगर आप मुझे देख लेंगे तो आपकी जिंदगी में तूफान आ जाएगा, आप हिल जाएंगे, आपके पैरों के नीचे जमीन निकल जाएगी। ऐसा कौन सा खूबसूरती का भंडार तुम्हारे चेहरे पर रखा है जिसको देख के मैं हिल जाऊंगा? अपना चेहरा दिखा। देखिए बच्चों ने कहा कि अच्छे बुजुर्ग जिद नहीं करते। अरे बच्चों की ऐसी के तैसी तुम अपना चेहरा दिखाते हो, या उड़ के तुम्हारा हाथ खींच लूं मैं, चेहरा दिखाओ। वैसे मैं चाहता तो नहीं था, मगर फिर भी आप इतनी जिद कर रहे हैं तो लीजिए, पेशे खिदमत है ये।